अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने इसके पहले परिच्छेद नंबर दो यानी हिस्सा नंबर दो इसका जो है तफसीली जायज़ा लिया, इसके बारे में मालूमात हासिल की कि मोर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी जगह मोर पाए जाते हैं। आइए अब उसी का अगला हिस्सा यानी उसी का अगला मरहला परिच्छेद नंबर तीन, जिस पे आज हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे, तफसीली जायजा लेंगे, उसका उर्दू भावार्थ समझेंगे। कांगो आणि आफ्रिका मध्ये आढळणाऱ्या मोराची मान निळी आणि जांभळी रंगाची असते, यानी कांगो और आफ्रिका में जो पाए जाते हैं मोर, उनकी गर्दन जो है नीली और जांभळी रंग की होती है। हिमालयाच्या पूर्व भागात राखाडी रंगाचे मोर आढळतात, के हिमालय मशरकी हिस्सों में, हिमालय के मशरकी हिस्सों में जो है खाकी रंग के मोर पाए जाते हैं। त्यांचे पंखा और हिरवे रंगाचे डोळे असतात, यानी उनके पर के ऊपर हरे रंग के आंखनुमा शक्ल पाई जाती है। काही प्राणी संग्रहालयात पांढरे मोर आढळतात, क्या आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह जो है सफेद मोर देखने को मिलते हैं। हे मोर निसर्गदत्त नसून जपानी शास्त्र तज्ञांनी तयार केलेली संकरित आहे, यानी जो मोर है सफेद मोर है ये कुदरती नहीं है बल्कि ये जापानी साइंसदानों की करामत है, ये कुदरती नहीं है। अन अर्धा रंग निळा आणि किंवा पांढरा अशा रंगाच्या मोराची जाती तयार केल्या आहेत, यानी आधा रंग नीला और आधा रंग सफेद, ऐसी जात के मोर की नस्ल जो है अभी तैयार की गई है। ज्या ठिकाणी माणसाची वहिवाट नसे अशा अगडी अडगडीच्या सुरक्षित एक खड्डा खणून लांडोर त्यात अंडी घालते, यानी ऐसी जगह जहां पर कोई इंसानों का आना जाना ना हो और किसी तरह से इंसानों का कब्जा ना हो, वहां पे लांडोर, लांडोर यानी मोर फीमेल, फीमेल मोर जो है वो ऐसी जगह पर खड्डा खोदती जहाँ पर इंसानों का आना जाना ना हो, उस गड्ढे में जो है वो अंडे देती है। मोराच्या खड्ड्यात साधारणपणे 4 ते 10 अंडी सापडतात, ही अंडी आकाराने कोंबडीच्या अंड्याच्या दुप्पट असतात, के साधारण लांडोर के घोंसले में उसके खड्डे में जो है 4 से 10 अंडे पाए जाते हैं, और ये अंडे मुर्गी के अंडों से दुप्पट साइज में होते हैं। साधारणपणे 1 महीन्यात लांडोर अंडी उबोते, के लांडोर कम से कम 1 महीने में अंडे देती है, और अंड्यातून पिल्लू बाहेर आले की लांडोर त्यांना 2 दिवस आपल्या अंगाखाली ठेवते, के जैसे ही अंडों से चूजे निकलते हैं तो उन चूजे को जो है लांडोर अपने जिस्म के नीचे 2 दिन तक रखती है। 5-6 पिल्ले निघाली की काही अंडी तशीच टाकून लांडोर आपल्या पिल्लांना घेऊन झुडपात जागी लपून बसते, यानी उसके अंदर से कुछ अंडे टूट जाते हैं और बच्चे निकल जाते हैं, वो 4 से 10 अंडे पाए जाते हैं, और कम से कम अंडों में से बच्चे जैसे निकलते हैं वो अपने जिस्म के नीचे उसको 2 दिन रखती है। जैसे 5-6 बच्चे पैदा होते हैं, जैसे 5-6 बच्चे अंडे से निकलते हैं, वो उनको और बाकी के अंडों को वो छोड़ के उन चूजों को लेकर जो है झाड़ियों में छुप जाती है। तिचे जवळ 15 दिवस पिल्लांना उड़ता ये पर्यंत राखते, यानी उसके पास बच्चों को वो जब तक बच्चे उड़ न सके जब तक वो बच्चों की हिफाजत करती है। शत्रुपासून पिल्लांना काही त्रास होऊ नये म्हणून ती सावध असते। उसके बाद शत्रु यानी जंगली जानवर, जंगली जानवरों से उसके बच्चों को नुकसान ना हो इस बारे में वो बड़ी सावधान होती है। तरीही शत्रु लांडोरीला फसवून त्यातली 3 ते 4 पिले तरी खातो, यानी उसके बाद भी इतनी हिफाजत के बाद भी लांडोर को जो है जानवर उसके दुश्मन उसे धोखा देते हैं और उसमें से जो है 3 से 4 बच्चे खा जाते हैं। मोर यावेळी लांडोर जेवत राहत नसल्याने
क्योंकि उस वक्त जो है लांडोरी के पास मोर नहीं होता है, लांडोरीला पिल्लाचे संरक्षण करावे लागते। क्या आखिरकार लांडोरी को उसके बच्चों की हिफाजत करनी ही पड़ती है।